हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है बैड डेब्ट्स से रिलेटेड। सारे डिस्कशन आज ही क्लास में होगा और आज के बाद हमारे इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा लिए है, रिविजन होगी सारे कॉन्सेप्ट की, वो सब क्लियर हो जाएंगे। एडजस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास टोटल 15 एडजस्टमेंट थी, जिसके अंदर मैं सारी करा चुका हूँ, बस 3 रह गई है, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसका एक सिंगल क्वेश्चन अलग से आ जाता है। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने बैड डब की, कई बार मेरे पेड़ के स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर आपने बैड डब का ना अलग से नहीं कराया, हमारे पास एक चैप्टर है अलग से बैड डब का, जिसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ता है, बैड डब से रिलेटेड डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है, ये सब चीजें बनानी पड़ती है। भाई वो यही चीज है। मैं वही बता रहा था कि भाई यही चीज होती है, वो जो आपको अलग से दे रखा है ना, बैड डब की एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डब, ये सब चीज वही यही चीज है। अलग से नहीं होता, वो इसका पार्ट है, इस चैप्टर का पार्ट है, तो इस चैप्टर में कराया जाता है उसको। ठीक है जी, आइए सर करें देख स्टार्ट रिवीजन ऑफ बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो सबसे पहले बैड डेब्ट की कहानी करते हैं। तो बैड डेब्ट क्या होता है भाई, जब हमारा पैसा डेटर नहीं देते, हमें अपने डेटर से पैसा लेना है, वो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं पैसे दे दो, उन्होंने कहा भाई हमारे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। या तो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया या जानबूझ के नहीं दे रहा है ना, तो या तो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर जानबूझ के नहीं दे रहा। तो जब डेटर हमारा पैसा नहीं देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट कहते हैं। अब डेटर का नेचर होता है हमारा एसेट नेचर का डेटर होता है। डेटर किस नेचर का है भाई, एसेट नेचर का है। अगर डेटर एसेट नेचर का है और वो एसेट का पैसा आना ही नहीं है, अब कंफर्म हो गया कि वो एसेट का पैसा नहीं आना, तो हम अपने बुक्स अकाउंट में उसको एसेट बनाकर कर क्या रहे हैं। इसलिए जब आपको लग जाए, जब आपको पता चल जाए कि आपका डेटर पैसा नहीं देने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर जो डेटर आपने एसेट बना रखा है उसको खत्म करके बैड डेब्ट के लॉस मान लीजिए। तो ये इसकी एंट्री होती है। एंट्री होती है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट हमने क्या मान लिया, लॉस मान लिया। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो डेटर को हमने क्रेडिट करा क्योंकि हमारी ये एसेट खत्म कर दी, और पीएनएल अकाउंट में जाकर इसको लॉस मान लिया। पीएनएल अकाउंट में जाएगा भी, अभी तो मैंने लॉस माना है, अब इसको पीएनएल अकाउंट में भेजते भी है। तो अगली एंट्री क्या होती है इसकी, अगली एंट्री होती है कि पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है लॉस को, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट कहां चले जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएगा। तो यहां पर हमने ट्रांसफर एंट्री भी कर दी। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही केस है कि अगर आपका बैड डेब्ट पीएनएल अकाउंट एडजस्टमेंट में सो होता है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, और अगर आपका बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में सो नहीं होता, उसका सिंगल इफेक्ट होंगे। आइए, इफ बैड डेब्ट आपको लगता है ये कितना मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है दोस्त, ये बहुत आसान है अगर आप इसको ढंग से ध्यान लगा कर पढ़े। बैड डेब्ट की एंट्री खत्म हो जाएगी, बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री। अच्छा, एक चीज और आती है, बैड डेब्ट रिकवर भी आता है, मैंने वहां लिखना भूल गया, एडजस्टमेंट में लिख दो एक बार, बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर एक साथ पढ़ना है हमें। यहां पर लिख दो 16 बैड डेब्ट रिकवर, आज सारे खत्म करा दूंगा मैं। ठीक है जी, ये बहुत आसान है, बस आप ध्यान लगाना, थोड़ा समझना चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। हालांकि लेक्चर में, डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया दिया था, बट जो पेड वाले नहीं है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कहीं और क्लास लेकर देख रहे थे, उनको वहां समझ नहीं आया, रिविजन करने यहाँ पर आया, तो ऐसे केस के अंदर आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा। इफ बैड डेब्ट इज सो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, सोन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ बैड डेब्ट इज सो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर बैड डेब्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन सो होता है, तो ऐसे केस के अंदर इसके कितने इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे। बताओ कहां पर होगा। सर पहला इफेक्ट तो लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट में जाकर हम इसको डेबिट साइड भेज देंगे टू बैड डेब्ट। ये कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, सर ये डेबिट इफेक्ट होगा। कौन सा डेबिट इफेक्ट, इसको हम डेबिट इफेक्ट कहेंगे, भूल गए नहीं सर। पर सर क्योंकि हमने डेटर को कम कराया, तो बैलेंस शीट में जाकर डेटर कम कर देना, ये हो गया सिंगल इफेक्ट। मैं आपसे क्या कहा था, अगर आपको एंट्री पता है ना, तो आप इफेक्ट भी पता लगा लोगे। बताओ क्या करा है आपने, बैड डेब्ट लॉस माना है और डेटर को कम कर दिया। बैड डेब्ट लॉस माना तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भेज दो, और डेटर को कम कर दो, डेटर को कम कर दो। ये आपके पास डेटर कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और इसमें से लेस कर देंगे बैड डेब्ट। अब देखो एसेट को जो कम कर दे, उसका नेचर होता है क्रेडिट, तो बैड डेब्ट एसेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो ये कौन सा नेचर का है, क्रेडिट इफेक्ट है। हो गए दोनों इफेक्ट, अगर आप ये दोनों इफेक्ट करते हुए चल रहे हो, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा।
इस केस के अंदर इधर आ जाइए। अब इफ बेड डेप, इफ बेड डेप इज सोन इन ट्रायल बैलेंस, इफ बेड डेप इज सोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर बेड डेप ट्रायल बैलेंस में सो होता है तो ऐसे केस के अंदर आपका क्या इफेक्ट आएगा? अगर बेड डेप ट्रायल बैलेंस में सो होता है तो क्या इफेक्ट आएगा? सर बेड डेप अगर ट्रायल बैलेंस में सो होता है ना तो आपका इफेक्ट क्या होगा? सिंगल इफेक्ट होगा। पहले तो बताओ ट्रायल बैलेंस में अगर सो होगा तो कहां पर होगा? ट्रायल बैलेंस में अगर ये सो होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर ये डेबिट साइड पे सो होगा, क्योंकि बेड डेप एक लॉस होता है और नेचर के हिसाब से ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो ये बेड डेप जो होगा वो डेबिट साइड पर सो होगा, और अगर ये डेबिट साइड पर सो होगा तो कौन सा फैक्ट देना है? सर डेबिट फैक्ट देना है ना। अगर ये डेबिट साइड पर सो हो रहा है तो हम कौन सा फैक्ट देंगे? हम डेबिट फैक्ट देंगे। इफेक्ट होगा सर डेबिट इफेक्ट होगा। तो अगर आपका बैड डेब ट्रायल बैलेंस में सो होता है तो आपका एक सिंगल इफेक्ट होता है, और वो सिंगल इफेक्ट डेबिट साइड पे होगा पीएनएल अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में आ गया, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया, इसका मतलब ये इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए सिंगल इफेक्ट देते हैं। ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। ये हो गया जी बैड डेब खत्म। था क्या इसमें? कुछ भी नहीं। घबरा जाते हो? अभी मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा अगली क्लास से, देखना आप। मैं आपको एक या दो क्वेश्चन बड़े कराऊंगा जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होंगे। अब कई सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ना रिवीजन में वाला क्वेश्चन करा देना, वाला करा देना। दोस्त मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए अगर मैं सब कुछ रिवीजन में करा दूंगा, आप खुद सोचो, अगर मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा, आप एक खुद सोचिए, भैया कोई क्लास मेरी लेगा ही नहीं। अब कोई क्लास मेरी लेगा नहीं तो मैं क्या कमाऊंगा भाई? मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो प्रोफेशन ही यही है। कल को मैं आपसे कहूं कि आप मेरे पास काम कर लो और पैसे मत लो, आप क्या कहोगे? सर ऐसे कोई तो बात थोड़ी होती है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। कल को आप सीएम बन जाओगे, मैं आपसे कहूंगा सीएम बनने के बाद कहीं पर जॉब कर लो और पैसे मत कमाओ, आप कहोगे सर मेरा तो काम ही यही है, मैं पैसा कमाने के लिए तो सीएम कर रहा हूं। सिमिलरली हमारे लिए भी यही काम है। तो अगर आप कहते हो कि वाला क्वेश्चन करा दो, वाला क्वेश्चन करा दो, आप वाला भी करवा दो, सब करा दो, फ्री में सब करा दूंगा, तो भाई कोई क्लास खरीदेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना, आप छोटे बच्चे तो नहीं है, आप चीजों को समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। देखिए अगर आपने ठान ली है कि मेरे को सेल्फ स्टडी ही करनी है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है, राइट। तो मेरा पर्पज यहाँ पर रिवीजन कराना है। मैं अपने सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और जो मुझे सही लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझाना चाहिए, जिससे मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिससे बाकी ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिससे आपको वो क्वेश्चन कराने के बाद बाकी क्वेश्चन को आसान हो करने में, अगर आप सेल्फ भी करते हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। आइए बैड डेब रिकवर की बात कर लेते हैं। अब सर बैड डेब रिकवर होता क्या है? देखिए एक डेटर था हमारा, ठीक है, एक डेटर था हमारा था, और उस डेटर ने हमने डेटर से कहा कि भैया देखो हमारा को पैसे दो। उसने कहा भैया मेरे पे पैसा नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं और मेरे पैसा है नहीं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें लगता कि अब ये पैसा नहीं आने वाला, तो हमने इसको डेबिट करके लॉस कर दिया। ये देखो पहली एंट्री मैंने क्या करा कि जो बैड डेब हो गया था वो डेटर, उसको मैंने बैड डेब मानकर वो डेटर खत्म कर दिया, एसेट खत्म कर दी, और बैड डेब मानकर उसको लॉस मान लिया था पिछले साल। अगले साल वो डेटर हमारे पास आता और कहता है सर मैं ना अब कुछ पैसे कमाने लगा हूं, और जो पैसा आपका देना था मैं ईमानदार हूं, देखिए मैं ऐसा नहीं हूं कि यार उस टाइम मेरे पे इतनी नहीं थी कैपेबिलिटी कि मैं आपका पैसा पे कर पाऊं, मैं इंसॉल्वेंट हो गया था, पर आज मैं सॉल्वेंट हो गया हूं और मेरे पे पैसा है, तो मैं और ईमानदार भी हूं, मैं आपका पैसा लेके कभी नहीं भागूंगा। इसलिए जो आपको लगा था कि यार ये आपने लॉस मान लिया है, ये लॉस नहीं होने दूंगा। मैं अगले साल आया हूँ हमारे डेटर हमारे पास और कहा कि सर ये लो आपका पैसा, आप कुछ पैसा मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको देने थे, लेट्स सपोज 10,000 देने थे, तो कह रहा जी 5,000 मैं अभी देने को रेडी हूं, तो कुछ पैसा या फिर 5,000 दे दूं या पूरा का पूरा 10,000 दे दूं। तो ऐसे केस के अंदर वो डेटर जिनको हम लॉस मान लेते हैं, ध्यान सुनना, वो डेटर जिनको हम लॉस मान लेते हैं और डेटर खत्म करके अकाउंटिंग में उसको लॉस मान के बैड डेब पीएनएल अकाउंट में डाल चुके होते हैं पिछले साल, और कुछ सालों बाद या आने वाले सालों में कुछ सालों बाद वो डेटर हमें पैसा वापसी लौटा देता है, तो जो बैड डेब हो गया था वो रिकवर हो गया। दैट इज नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, बैड डेब रिकवर। जो बैड डेब हो चुका था, जो मैं मान चुका हूं बैड डेब, वो हमारा क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों ये जब आप लॉस मान चुके हो, अब आप क्या करोगे? क्या आप दोबारा डेटर क्रिएट करोगे? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। डेटर तो खत्म हो चुके, लॉस मान चुका, ऑलरेडी खत्म हो चुका हमारे बुक्स अकाउंट में वो डेटर, अब कहीं ना कहीं तक नहीं है, हम उससे पैसा नहीं लेना, वो खुद आया हमें पैसे देके चले गए। हम तो लॉस मान चुके थे कि गया हमारा पैसा, अब वो खुद आके पैसे चले गया, तो लॉस मान चुके हो ना आप, उसको दोबारा नहीं कर सकते, ठीक, दोबारा लॉस को कैंसिल नहीं कर सकते, हो चुका पिछले साल, पहले सालों में लॉस मान चुके, इसको कहते हैं राइट ऑफ करना, ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, खत्म हो चुका है। वैसे केस के अंदर अब जो बैड डेब आएगा, जब अब मुझे पैसा वो जो रिकवर हो रहा है उसको मैं इनकम मान लूंगा और पैसा कैसे कलेक्ट कर लूंगा या बैंक से कलेक्ट कर लूंगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है?
इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। अब ये बैड डेट रिकवर क्या है, क्रेडिट करा है, इनकम मानिए इनकम, क्योंकि जो बैड डेट हो गया था उसको लॉस मान लेता, आज इनकम मान के सेटल डाउन कर लेता हूं, ठीक है जी। और से मेरे पे क्या है, कैश आया, तो उसके डबल इफेक्ट क्या होंगे, इफ बैड डेट रिकवर इज शो इन, इफ बैड डेट रिकवर इज शो इन कहां पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर बैड डेट रिकवर कहां पर शो हो रहा है दोस्त, एडिशनल इंफॉर्मेशन में शो हो रहा है, इफ बैड डेट रिकवर इज शो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ बैड डेट रिकवर इज शो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसे केस के अंदर हम कितने इफेक्ट करेंगे, दो इफेक्ट करेंगे। हालांकि ये बैड डेट रिकवर एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है, रेयर होता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा बैड डेट रिकवर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ज्यादातर ये ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलता है, पर अगर फिर भी देखने को मिल गया तो हमारे को एंट्री पता है। एंट्री क्या है, एंट्री है कि आप इसको इनकम मान लो और अपना कैश बढ़ा लो एसेट साइड में से जाकर, सिंपल, जो एंट्री वही इफेक्ट है, चीजों को बहुत सिंपल वे में लो ना भाई। एंट्री क्या थी, एंट्री ये थी कि भैया देखो बैड डेट रिकवर को हमने इनकम मान ली, ठीक है, तो आप इसको पीएनएल अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर दो इनकम साइड में, क्या लिख दो भाई, बैड डेट रिकवर, ये आपकी इनकम हो गई, इसको आपने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अब आपका डेबिट इफेक्ट क्या होगा, सर डेबिट इफेक्ट क्या होने वाला है, बैलेंस शीट में जाकर एसेट साइड बढ़ा दो, यही तो है एंट्री में, देखो ये आपकी एसेट हो गई, और एसेट में जाकर बैंक में जाकर बढ़ा देना, बैड डेट रिकवर से कैसा आया, पैसा आया है इस तरीके से, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, बैंक में कुछ पैसा पड़ा होगा और पैसा आ गया, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट हो गया। हालांकि हालांकि बहुत ही रेयर होगा, 1% चांस हो अगर बैड डेट रिकवर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको देला कर दे। बैड डेट रिकवर हमेशा कहां पर देखने को मिलता है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलता है, और उसका सिंगल इफेक्ट होता है, उसको इनकम मान लेते, बात खत्म। बैड डेट रिकवर इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, इफ बैड डेट रिकवर इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, और अगर बैड डेट रिकवर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो कहां दिखेगा दोस्त, सर वो दिखेगा इनकम साइड में, ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो इनकम साइड में दिखेगा, इनकम साइड बोले तो क्रेडिट साइड में दिखेगा वो, क्योंकि इसका नेचर ही क्रेडिट है। यहां दिखेगा, और अगर क्योंकि इसका क्रेडिट नेचर है तो हमें इफेक्ट भी कौन सा देना है दोस्त, क्रेडिट वाला देना है, तो मतलब ये इफेक्ट हो जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर वो शो होता है। तो समझ में आ गई, मैं हर एक चीज करा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, रिविजन करा रहा हूं, जिससे आपको ये सारी चीजें ध्यान हो जाए वापस। आइए, बैड डेट रिकवर की कहानी हो गई है, अब आ जाते हैं हम असली पॉइंट पर, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और बहुत आसान है सर, आप इतना डरते पता नहीं क्यों है, मुझे तो समझ नहीं आता, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टूडेंट कहते हैं अरे यार ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा, देखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है जब हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी अराइज होने वाली है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैसा सेव करके चलते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोविजन। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि यार मेरे कुछ डेटर पैसा नहीं देंगे, मेरे कुछ डेटर पैसा नहीं देंगे, हो सकता है फ्यूचर मुझे लॉस हो जाए, फ्यूचर मेरे को लायबिलिटी अराइज हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर आप आज से ही पैसा सेव करके चलते हैं, इतना से तो कॉन्सेप्ट है प्रोविजन का। तो अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर मुझे डाउट हो रहा है, डाउट क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है किस पे, अपने डेटर पे, यार कुछ परसेंट डेटर मेरे पैसा नहीं देने वाले, तो मैं उतने परसेंट का क्या बनाता हूं, प्रोविजन बनाकर चलता हूं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, चलिए एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूं। देखिए प्रोविजन जब बनाते हैं तो इस तरह पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर हम अपने पैसा सेव करते हैं, उसको प्रोविजन कहते हैं।
तो प्रोविजन बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर उसको सेव कर रहा हूँ बेसिकली ये। तो क्या होगा, प्रॉफिट में से जब पैसा निकालूंगा तो कहां चलेगा, पीएनएल अकाउंट मेरा कम हो जाएगा, राइट। पीएनएल अकाउंट कम होगा दोस्त, नहीं होगा, यस भाई। अगर मैं प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट में से पैसा निकाला और कहां पर डाला, प्रोविजन अकाउंट में डाला। तो इधर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, प्रोविजन अकाउंट में चले जाएगा। तो प्रोविजन का नेचर क्या हो गया, क्रेडिट नेचर का होता है हमेशा, प्रोविजन और रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब यहां पर ना दो टाइप के प्रोविजन देखने को मिलते हैं, एक होता है ओल्ड प्रोविजन, एक होता है न्यू प्रोविजन। सर ओल्ड और न्यू का फर्क मतलब क्या, देखिए ओल्ड प्रोविजन का मतलब है जो प्रोविजन पिछले साल का और पहले से ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। लिख देता हूं, यहां पर दो चीज आती है, एक होता है ओल्ड प्रोविजन, ठीक है भाई, एक होता है न्यू प्रोविजन। इसका मतलब ये पिछले साल का बनाया हुआ है और करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। इसका मतलब ये पिछले साल तक का बनाया हुआ है, मतलब पिछले साल कुछ प्रोविजन बनाया होगा, उससे पिछले साल कुछ प्रोविजन रहा होगा, वो बचा होगा हमारे प्रोविजन अकाउंट में, तो यूज नहीं हुआ, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो वो प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर आ जाता है। तो नेक्स्ट ईयर कहां पर देखिएगा, ट्रायल बैलेंस में, दैट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन। ट्रीटमेंट क्या होने वाली है जरा बताऊंगा थोड़ी देर में। न्यू प्रोविजन का मतलब है ये वो प्रोविजन है, ये वो प्रोविजन है जो आपको करंट ईयर में इस साल क्रिएट करना है, जो आपको इस साल क्रिएट करना है। तो आपके पास ये दो चीज के नाम आपको देखेंगे, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अगर कोई प्रोविजन है इसका मतलब है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है दोस्तों, वो हमारा ओल्ड प्रोविजन है। इसका मतलब वो पिछले साल से लेट कर रहा है, पिछले साल का प्रोविजन बनाया होगा, वो यूटिलाइज नहीं हो पाया होगा, इसलिए हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके वो हमारा दिख रहा। एग्जांपल समझिए, ये आपका ट्रायल बैलेंस दे दिया मैंने, इसमें एग्जाम्पल कराने पड़ते अकाउंटिंग सिखाने के लिए। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। सर मैंने यहां पर डेटर दी, मैंने यहाँ पर बैड डेट दे दिया, सुनता जाना, मैं एक ही एग्जांपल करूंगा बड़ा, उसमें सबको समझा दूंगा। यहाँ पर डेटर दे दिया, यहाँ पर बैड डेट दे दिया, डेटर मेरे मान लो 2 लाख रुपए के हैं, डेटर मेरे हो गए मान लो 10,000 रुपए के, ठीक है सर। इसके बाद और आपको दे रखा है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डीडी, लेट्स सपोज ये दे रखा है 15,000 रुपए का प्रोविजन आपको दे रखा है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसी में सारा बता दूंगा आपको, सारी चीजें आ जाएगी एक क्वेश्चन में, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा आपको ध्यान लगाना है। इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखिए, सबसे पहले फर्दर बैड डेट, ₹20,000, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर, ऑब्वियस है डेटर पे प्रोविजन 5%, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5%, सीधा लिख दो 5%, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5%। अब यहां पर दो चीज और देखनी है, एक होता है क्रिएट, आपको क्रिएट करना है 5% का प्रोविजन, आपको क्रिएट करना है। एक चीज होती है कि हाँ यार आपने पहले से बनाना है, मेंटेन होता है कि आपको 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। दो बातें बताऊंगा आपको, एक होता है क्रिएट, एक होता है मेंटेन, ठीक है जी। पहले क्रिएट का सीक्रेट, ठीक है जी, क्रिएट का सीक्रेट। अब समझिएगा कंसेप्ट क्या है, पहले तो दो बेड अप कैसे आ गए भाई, ये समझो सर, एक बेड अप ट्रायल बैलेंस में, एक बेड अप ये वो बेड अप है जो हो चुका अभी तक, जो अभी तक हो चुका और डेटर में से भी मैंने माइनस कर दिया। हो सकता है ये करंट ईयर से बिलोंग कर रहा हो, सकता है नेक्स्ट ईयर से भी बिलोंग कर रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड हो गया हो, बेसिकली करंट ईयर का ही होता है।
बट ये वो बेड डब है जो अभी तक हम माइनस कर चुके हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सा बेड डब है, ये वो बेड डब है जो जिससे अभी माइनस नहीं हुआ। एक बेड डब मुझे पता था मेरा हो गया है, मैंने मान लिया है और मुझे लगता है ये बेड डब हो गया है और मैं उसको माइनस भी कर चुका हूँ, डेबिटर में से कम कर चुका हूँ, डेटर में से कम कर चुका हूँ। तो जो बेड डब आपने डेटर में से ऑलरेडी कम कर दिया वो आपको ट्रायल बैलेंस में शो होगा, है करंट ईयर का। एक बेड डब फर्दर बेड डब ये कौन सा है, ये और बेड डब हो गए जिसका भी ट्रीटमेंट नहीं करा, ना तो डेटर में से कम करा ना उसको लॉस माना है ना उसको पीएन अकाउंट में डाला, इसलिए यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो दो टाइप के बेड डब भी दिख सकता है आपको, एक वो बेड डब जो ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब होता है ये वो बेड डब है जिसमें आपने डेटर में से कम कर दिया है, माइनस कर दिया है, बस हमने इसको पीएन अकाउंट में जाकर दिखाना है, सिंगल इफेक्ट होगा, राइट। और ये फर्दर बेड डब का मतलब है इसको भी डेटर में से भी माइनस नहीं किया हुआ, ये और बेड डब हो चुके हैं हमारे। इसके बाद है ये प्रोविजन क्या है, ये वो प्रोविजन है जो इसमें पैसा हमारे प्रॉफिट में से निकाल के इतना 15,000 रुपए हमारे प्रोविजन अकाउंट में पड़ा हुआ है जो हो सकता है पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर आया हो, इसको हम कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। और ये वो प्रोविजन है जो हमें इस साल और क्रिएट करना है 5% का। बात समझ में आ गई, चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ गया। यहाँ दो चीज ज्यादा से ज्यादा यही आ सकता है पेपर के अंदर और कुछ नहीं आ सकता, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो समझो, ज्यादा से ज्यादा इतने ट्रीटमेंट आ सकती है पेपर के अंदर, फर्दर बेड डब दे देगा और बेड डब ट्रायल बैलेंस में भी दे देगा, प्रोविजन दे देगा कहेगा क्रिएट करो नया प्रोविजन और कहेगा प्रोविजन पहले से ट्रायल बैलेंस में, ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछ सकता और कुछ नहीं पूछ सकता इंस्टीट्यूट, इससे ज्यादा बनता ही नहीं कुछ। एक चीज और आएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आएगा एक नया चीज, वो और ऐड कर सकता है, वो तो ज्यादा जनरली पूछता नहीं है बट ऐड ऑन कर सकता है, उसमें कुछ भी नहीं करना अभी मैं बताऊंगा। पहले ये समझो, मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, पर एक में क्रिएट लिखा होगा एक में मेंटेन लिखा होगा, फर्क ये होगा और सारी इंफॉर्मेशन ऐसी की ऐसी होगी। अब आपको समझिएगा, एक मिनट मैं चेक कर लूं कि क्वेश्चन ठीक भी है नहीं है, क्या पता ऐसे मजे मजे में डाल दिया और ठीक ही ना हो क्योंकि तो गलत है क्वेश्चन, इसको कम कर लो। ऐसा हो जाता है कई बार, मैं क्वेश्चन करा दूं फिर बीच में गलत लग जाए, ऐसे चेक कर लिया। चलिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब कोई स्टूडेंट ये मत कहना कि इतना ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करा आपने, भाई एक्सट्रैक्ट है सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी। अब कहानी को ध्यान समझते हैं, कहानी को बहुत ध्यान समझते हैं। तीन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, पहली प्रॉब्लम कि प्रोविजन 5% का जो बनाना है वो कौन से अमाउंट पर बनाना है, यहां गलती करते हैं स्टूडेंट, बना देता है डेटर पे, गलत डेटर पे नहीं बनेगा वो, यहां गलती करता है स्टूडेंट। दूसरी गलती करता है क्रिएट और मेंटेन में, क्रिएट और मेंटेन में गलती करता है। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये तरीका सबसे बेस्ट है जिंदगी का, सबसे जो दुनिया का सबसे बेस्ट पॉसिबल वे होता है ना वो है आपका ये। अब मैं आपके पीछे बड़ा ही नहीं कर रहा, आप समझना कितने आसान तरीके से मैं पूरा प्रोविजन बताऊंगा तब आप कहोगे ये बेस्ट है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वे है उसको करने के, पर मैं आपको बहुत आसान बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्रिएट कितने का करना है प्रोविजन 5% का, ये 5% अप्लाई किस पे करते हैं। तो सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट बनाओगे और वर्किंग नोट में जाके कहोगे भाई मेरे पे डेटर थे कितने की, सर मेरे पे डेटर है 2,00,000। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये बेड डब है, अब ये कौन सा बेड डब है, ये वो बेड डब है लिख लो कहीं पर साइड में, ये वो बेड डब होता है जिसमें से डेटर में से ऑलरेडी कम हो चुका होता है, बस इसको पीएन अकाउंट में डालकर लॉस मानना, हम डेटर में से माइनस कर चुके हैं, ये वो बेड डब है, हम मान चुके हैं ये डेटर हमें पैसा नहीं देगा और हमने डेटर में से माइनस कर दिया। तो मतलब ये 2,00,000 रुपए जो आया है ना इसमें 10,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, मतलब पहले डेटर 2,10,000 रहे होंगे, हमने 10 माइनस करके ट्रायल बैलेंस में बेड डब डाल दिया। अब ये वो बेड डब होता है जिसके अंदर डेटर में से माइनस नहीं होता करना है, हमारी बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से मैं क्या माइनस करूंगा, फर्दर बेड डब, क्या माइनस करूंगा फर्दर बेड डब, और फर्दर बेड डब कितने का है जी 20,000 रुपए का। अब 20,000 माइनस करने के बाद अब यहां पर जाएगा 1,80,000, इसको हम कहेंगे रिमेनिंग डेटर, इसको हम कहेंगे रिमेनिंग डेटर, और रिमेनिंग डेटर करने के बाद यहां पर आप क्रिएट करोगे प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, और 5% निकालोगे इस अमाउंट का, 5% निकालोगे इस अमाउंट का 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 का 5%। सोचो मैंने इसका क्यों निकाला, मैंने डेटर का क्यों नहीं निकाला, 9,000 रुपए आया और 9,000 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बन जाएगा 1,71,000 रुपए, ये आपका नेट डेटर बच जाएगा, ये आपका नेट डेटर है जो आपकी बैलेंस शीट में जाकर शो होगा, बैलेंस शीट में जाकर सीधा ही शो कर दो। भाई ये बनाना जब भी क्वेश्चन आएगा ना ये वाली प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, ये बनाना ही बनाना है कंपलसरी, क्यों, ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट में करते हैं तो उसका लगता है बहुत बड़ा है। अब पता क्या करूंगा बैलेंस शीट में, बैलेंस में जाऊंगा सीधा नेट डेटर लिख दूंगा, इतना खत्म हो गया मेरा, सारी एडजस्टमेंट हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बनाना जरूर ब्रेकिंग नोट। अब बात सुनो, सबसे पहले मैं फर्दर बेड डब क्यों करा, प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन का मतलब है डाउट कि ये डेटर पैसा देगा या नहीं देगा, डाउट है। पर सोचो जो फर्दर बेड डब हो चुके, जो कह रहा है इंस्टीट्यूट, जो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बेड डब हो चुके हैं और 20,000 के, क्या इन पर डाउट हो सकता है, मेरे पे 2,00,000 का डेटर है,
अगर मैं 2 लाख का डेटर में 5% का प्रोविजन क्लियर कर दूं, तो 2 लाख का 5% होता है भाई 10,000 रुपए। तो मेरे कहेंगे कि 10,000 रुपए के डेटर ऐसे होंगे जो पैसा नहीं देंगे, आगे जाके इन पे डाउट है, हो सकता है पैसा ना है, हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटी 50-50% की है। पर मैं ये कह रहा हूं कि भैया देखो 20,000 के बेडअप हो चुके, इसमें अब 100% कंफर्म्ड है। तो सोचो क्या मैं इसको अगर मैं 5% इस पे निकाल देता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब है आप कह रहे हो कि 2 लाख में से 5% डेटर पैसा नहीं देंगे, ऐसा कह रहे हो। जबकि 2 लाख में से नहीं, हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भैया 20,000 के डेटर तो ऑलरेडी बेडअप हो चुके, इसलिए कंसेप्ट ये कहता है कि भाई प्रोविजन क्रिएट करने के लिए आपको रिमेनिंग डेटर निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि डेटर में से आपके फर्दर बेडअप माइनस इसलिए करा क्योंकि आपको ये पता है 100% कन्फर्म है बेडअप हो चुका। अब जब बेडअप हो चुका तो डाउट किन पे होगा? रिमेनिंग वालों पे ना, 2 लाख वाले पे थोड़ा ना होगा, क्योंकि वहां तो 20,000 में कन्फर्म हो गया कि ये बेडअप हो ही गए। तो 20,000 का जब बेडअप हो चुका तो रिमेनिंग डेटर जो 1 लाख से जिनका पैसा आना है, डाउट किन पे हो सकता है? आसन मारिए, क्लियर हो रहा है? तो डाउट किन पे होता है? जो रिमेनिंग डेटर होते हैं। रिमेनिंग डेटर कैसे निकालेंगे? डेटर जितने हैं टोटल उसमें से जो बेडअप हो चुका वो हटा दो। अब ये रिमेनिंग डेटर जिनसे पैसा आना है इन पे हो रहा है डाउट 5%, वजन मारिए, इसलिए 5% इसका निकाला जाएगा। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया? सबसे पहले प्रोविजन कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया? 9,000। अब अकाउंटिंग ट्रीट में सीखना। अकाउंटिंग ट्रीट में से जब से मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आपको रिवीजन कर रहा हूं, तब से एक ही बात कह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट, एडिशनल बैलेंस के 2 इफेक्ट। इन दोनों के 2 इफेक्ट होंगे, इन दोनों ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, और पॉली ट्रांजेक्शन के एक एक इफेक्ट होगा। देखना मैं आपको करके दिखाता हूं। और खत्म हो गया जी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इधर देखिए, सबसे बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बनाओ और पीएनएल अकाउंट में यहां लिखो बेडअप। एक तो वो बेडअप लिखो जो ट्रायल बैलेंस में है, सुनना ध्यान से, एक वो बेडअप लिखो जो ट्रायल बैलेंस में है, जो हमने कहा कि मैं 10,000 पे डेबिट साइड में इसका डेबिट इफेक्ट तो करना ही है, तो मैंने यहां बेडअप डाल दिया 10,000 पे, इसका ट्रायल खत्म हो गया इफेक्ट। अब फर्दर बेडअप यहां पर ऐड करो, आपको पता चला कि अरे और बेडअप हो गए यहां, तो फर्दर बेडअप 20,000 पे के और बेडअप हो गए, तो हमारे क्या करा, यहाँ 30,000 लिख दिया। हमारा टोटल लॉस कितने का हो गया? 30 का हो गया करंट ईयर में। कैसे हुआ? 10,000 का पहली लॉस पता चल गया था कि इससे हमने डेटर भी कम कर दिया, तो लॉस इसको मानना है अभी पीएनएल अकाउंट बना गया। और फिर बाद में चला अरे फर्दर बेडअप भी हो गया भैया, और लॉस हुआ, और जो फर्दर बेडअप हुआ उसको डेटर में से कम नहीं करा है। जो ट्रायल बैलेंस वाला बेडअप होता है वो डेटर में से कम हो चुका होता है, जबकि फर्दर वाला डेटर में से कम नहीं होता। तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 30,000 का। बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, समझ मारा, ये इफेक्ट हो चुका, ये फैक्ट ऑलरेडी हो चुका। एक बार ना मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे ये दोबारा समझाना है आपको, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता ठीक है सर, ये बाद मेरे काम आएगा ना, इसलिए अब बात सुनो। अब एक करके कर रहा हूँ, क्या मैंने इसके सिंगल इफेक्ट दिए? हाँ जी सर, इसके सिंगल इफेक्ट आप दे चुके, खत्म करो। जब मैं इसके सिंगल इफेक्ट दे चुका तो हटा दूं, एक इफेक्ट हो चुका। अच्छा, इसका आपने 2 इफेक्ट दे दिए? नहीं सर, अभी एक ही दिया है, ये डेबिट इफेक्ट दिया, पीएनएल अकाउंट में गया हुआ है, इसलिए एक इफेक्ट और देना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डीडी, आप समझना प्रोविजन फॉर ओल्ड डीडी और न्यू डीडी में फर्क क्या हो। मेरी बात को ऐसे समझिए भाई, मेरे पास 5,000 रुपए है पहले से, और मुझे 9,000 का और बनाना है, मुझे 9,000 का प्रोविजन और बनाना है। तो 5,000 पहले से पड़ा है और मुझे 9,000 का और प्रोविजन बनाना है। तो जो नया प्रोविजन आप बनाओगे उससे प्रॉफिट कम होगा, जो नया प्रोविजन आप बनाओगे उससे प्रॉफिट क्या होगा दोस्त? कम होगा, क्योंकि आप उसको प्रॉफिट में से निकालोगे। तो जो आप नया प्रोविजन बना रहे हो ना 5% का 9,000 रुपए, इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो आ जाओ पीएनएल अकाउंट में, यहां लिख देना पीएनएल अकाउंट में, लिखना यहां पर टू न्यू प्रोविजन लिख लेना, और बताओ टू न्यू प्रोविजन लिख ले 9,000 रुपए। इसका मतलब 9,000 रुपए का आपने प्रोविजन और बनाना है, और जो प्रोविजन आपके पास पिछले साल का पड़ा हुआ है वो प्रोविजन का क्या करोगे? उसका यूज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, सर यूटिलाइज ही नहीं है, ऐसे कैसे पड़ा है? तो कहता है जो प्रोविजन आपका पड़ा हुआ है पहले से ट्रायल बैलेंस में, उसको आपने प्रॉफिट में से निकाला था ना, जब प्रॉफिट में से निकाला था तो आपने क्या करा था? डेबिट साइड में डाला था, यही तो करते हो। जब भी ये प्रोविजन बना होगा, अभी मैं ये प्रोविजन बना रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट में से निकाल रहा हूं, डेबिट साइड में डाल रहा हूं, और जब भी ये प्रोविजन बना होगा तब भी प्रॉफिट में से निकला होगा, डेबिट साइड में डाला होगा,
तो अब कह रहा है इसका कोई यूटिलाइज नहीं, इसको क्रेडिट साइड में डाल के खत्म कर दो। खत्म सिंपल है, जो नया प्रोविजन है उसको क्रिएट कर लो और जो ओल्ड प्रोविजन है उसको खत्म कर लो। तो यहां पर ओल्ड प्रोविजन जाकर खत्म हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। ट्रायल बैलेंस वाले प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे 5,000 रुपए, और जो नया प्रोविजन है उसको हम क्रिएट कर लेंगे 9,000 रुपए। अब क्रिएट का मतलब है ये 9,000 और बनाना है। एक होता है मेंटेन, मेंटेन का मतलब क्या होता है, अब मैं यही समझा देता हूं मेंटेन का मतलब, उसके लिए बड़ा क्वेश्चन क्या कराना। मेंटेन अगर ये होता ना, यहां पर लिखते, यहां पर अगर लिखता, सुनना ध्यान से, यहां पर अगर मैं कहता कि सर जो मेंटेन है ना, ये 5% क्रिएट करने की जगह मेंटेन होता, तो ये 5% मेंटेन का मतलब 9,000 रुपए मेंटेन करना है, 9,000 रुपए मेंटेन करना है। तो आप क्या कहते, आप कहते हैं कि भैया 9,000 मेंटेन करना है, 5,000 पहले से पड़ा है, अभी और कितना क्रिएट करूंगा, 4,000। मेंटेन में ये होता है कि मेंटेन का मतलब है सिर्फ 9,000 रुपए रखने हैं आपको प्रोविजन अकाउंट में, 5,000 तो पहले से पड़ा है ना, तो मैं कितना और रखूंगा, 4,000 रखूंगा, तो हो जाएगा मिलाकर 9,000, दैट्स कॉल्ड मेंटेन। क्रिएट का मतलब है 5,000 जो पड़ा है वही रहने दो, उसको मतलब नहीं, 9,000 और क्रिएट करो, तो 9,000 पीएनएल से निकलेगा। उस टाइम क्या होता है मेंटेन में, मेंटेन में क्या होता है, 9,000 मेंटेन करना था तो 5 पहले से था तो मैं 4 और निकालता। अब मेरी बात को समझना, चाहे मेंटेन हो चाहे क्रिएट हो, ट्रांजैक्शन यही करना। मैं उतना आपको ये बता रहा हूं, घुसने की जरूरत नहीं है, जितना आप सिंपल करोगे ना इसको उतना सही है। आप ऐसे समझो, अब ऐसे समझो कि भाई मेंटेन होता तो 9,000 रुपए का प्रोविजन मेंटेन करते, 5,000 पहले से पड़ा है, 9,000 का मेंटेन करना तो 4 और क्रिएट करूंगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा मेरी जेब में 5,000 रुपए, यहां समझिएगा, मेरी जेब में 5,000 रुपए है और मुझे अपनी जेब में 9,000 रुपए मेंटेन करने हैं। तो दो तरीके हैं, या तो 4,000 लाकर मैं अपनी जेब में डाल दूं, 5 पहले से बड़े थे 4 और आ जाएंगे, ये हो गया कि आप प्रोविजन 4,000 का क्रिएट कर लो, आपका मेंटेन हो जाएगा 9,000, मेंटेन वाली कहानी ये हो गई, ऐसे करते हैं। बट मैं आपसे बता रहा हूं एक नई तरीका सिखा रहा हूं, मैंने कहा ऐसा मत करो, बस ऐसा करो, ये 5,000 रुपए आपको, आपको अपनी जेब में कितना मेंटेन करना है, देखो करते कैसे, मैं आपको समझा दिया कि आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, 9,000 आपको मेंटेन करना है अपनी जेब में, तो आप क्या करोगे, 4,000 और लेकर आओगे प्रॉफिट प्रोविजन, डाल दोगे अपनी जेब में, हो जाएगा प्रोविजन अकाउंट में 9,000 मेंटेन। इस वाले केस में क्या है, क्रिएट के केस में 5,000 आपके पहले से पड़ा है, 9,000 आपको और करना है, तो पीएनएल से 9,000 लेकर आओगे और अपनी जेब में डालोगे, अब 9,000 और 5,000 कितना बन जाएगा, टोटल हो जाएगा 14,000। ये तरीका है क्रिएट और मेंटेन। अब मेंटेन वाली कहानी समझिएगा ध्यान से, मैं आपसे अभी, मैंने आपके कहा 5,000 आपकी जेब में पड़ा है, 9,000 मेंटेन करना अपनी जेब में, जेब मतलब, जेब का मतलब है प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन 5,000 है, 9,000 मेंटेन करना, 4 और प्रॉफिट में से क्रिएट करूंगा और डाल दूंगा, यहां से क्रिएट करने के लिए 4,000 यहां आ जाएगा और प्रॉफिट में निकल के यहां डाल दूंगा 9,000 मेंटेन में। पर मैं आपको नई चीज सिखाता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये जो 5,000 आपकी जेब में पड़ा है ना, इसको निकालो और वापसी पीएनएल में फेंक के मारो। 5,000 मैंने जेब से निकाला और पीएनएल अकाउंट में डाल दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब मेरी जेब में कितना है, 0, और कितना मेंटेन कर रहा है, 9,000, तो 9,000 पीएनएल से फिर निकालो और फिर डालो। सर क्या कर रहे हो, मैं बता क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पीएनएल अकाउंट, आप पीएनएल अकाउंट हो, मान लो आप पीएनएल अकाउंट हो, मैंने कहा भाई ये लो 5,000 पकड़ो, आपने 5,000 पकड़ ली, अब मैंने कहा 9,000 मुझे मेंटेन करना है, वापस लाओ 9,000 रुपए दे दो। सर ऐसा करने से ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड यही इजी है। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, मैं आपको समझा रहा हूं एक ही तरीका, चाहे क्रिएट हो चाहे मेंटेन हो, सुनना ध्यान से, चाहे क्रिएट हो चाहे मेंटेन हो, यही करना है आपको। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये होता है, जो आपके पास प्रोविजन पड़ा होता है आप उसको नील कर दो ना, आप उसको आपसे पीएनएल में डाल दो, डाल दिया पीएनएल में, अब आप क्या प्रोविजन कितना बड़ा है, 0। अब आप क्रिएट बोल लो, 9,000 का क्रिएट कर लो, तब भी 9,000 डालने पड़ेंगे, और अगर मेंटेन करना है 9,000 रुपए तो अब आपकी जेब में 0 पड़ा है, क्योंकि 5,000 पहले से था, तो 4 नहीं निकालना पड़ेगा, पूरा 9 निकालना होगा। तो अब ऐसे देखो कि 5,000 गया 9,000 निकला, तो डिफरेंस क्या आया, 4 ही तो आया, 5,000 प्रॉफिट में डाला और 9 निकाल लिया, तो एडिशनल पीएनएल अकाउंट को कितना देना पड़ा, अपनी जेब से 4 ही तो देना पड़ा, क्योंकि 5 में तो ऑलरेडी दे चुका था। तो ऐसे करने से क्या होता है, चीजें बड़े माइंड से क्लियर होता है, अब क्रिएट हो या फिर अब क्रिएट हो या फिर अब मेंटेन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्रिएट हो या मेंटेन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोविजन मेरे पड़ा होगा ओल्ड उसको मैं पीएल में डालकर खत्म करूंगा, अब मेरे अकाउंट में 0 प्रोविजन है, अब मैं क्रिएट करूं या मेंटेन करूं मुझे 9 ही लेकर आना है, इसलिए 9,000 का क्रिएट कर। अब समझ में आया ये नया तरीका क्या है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल और शॉर्ट।
वो प्रोविजन आपके पास ट्रायल बैलेंस पड़ा होगा उसको पीएल अकाउंट में डाल के खत्म कर देना। अब आप कहना मेरे प्रोविजन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, पीएल अकाउंट में डाल देना खत्म। और जो प्रोविजन आपको क्रिएट है मेंटेन करना उसको पूरा का पूरा लेना 5% और पीएल अकाउंट से डाल के डेबिट साइड में दोबारा क्रिएट कर लेना या मेंटेन कर लेना। बात समझ में आ गई? सीधा सीधा 5% जो आया, अब ये मेंटेन हो या क्रिएट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9000 रुपए पीएल में जाएगा। अब आपको सोचने की जरूरत है कितना डिफरेंस है, क्या है ओल्ड प्रोविजन पीएल के क्रेडिट साइड में खत्म और न्यू प्रोविजन चाहे वो मेंटेन हो चाहे क्रिएट लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब सीधा सीधा डेबिट साइड पे खत्म। इसको मैं रटवा नहीं रहा, लॉजिक समझा रहा हूं मैंने ऐसे क्यों करा, लॉजिक भी दे रहा हूं आपको इस पॉइंट पे, वैसे देता नहीं पर इस पॉइंट पे लॉजिक दे रहा हूं आपको। इसलिए लॉजिक दे रहा हूं कि आप समझो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जेब में 5000 मेंटेन करने हैं, जेब में 9000 मेंटेन करने हैं, पहले से 5000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है तो मैं 4 और क्रिएट कर लूं या ऐसा कर लूं कि 5000 वापसी दे दूं 9 ले लूं दोबारा, ऐसा भी तो कर सकता हूं। बात तो वही हुई, आया तो 9 ही, ठीक है ना। चलिए खत्म हो गया जी। अब मुझे बताओ क्या मैंने ओल्ड प्रोविजन की एंट्री कर दी? हां जी सर, इसके इफेक्ट कर दिया। सर इसके दो इफेक्ट हो गए? नहीं, इसका भी एक ही इफेक्ट हुआ है, ये दोनों पीएल में चले गए, एक ही इफेक्ट हो चुका है डेबिट डेबिट वाला। अब करेंगे क्रेडिट वाला। अब क्रेडिट वाले के लिए मैं ऑलरेडी ये बना चुका, इधर ध्यान देना। या तो आप एक काम कर लो दोस्त, बैलेंस शीट बना लो, या तो आप बैलेंस शीट बना लो और बैलेंस शीट बनाकर यहां लिखेंगे एसेट, बैलेंस शीट बनाकर यहां लिखो एसेट, और जो ये मैंने करा हुआ ना वर्किंग नोट में ये एज इट इज दोबारा कर दो। जब मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं पता क्या डालूंगा बैलेंस शीट बनाकर, मैं बैलेंस शीट बनाकर यहां डालूंगा नेट डेटर और कहूंगा वर्किंग नोट में जाकर देख लो वहां सारी एडजस्टमेंट कर रखी, और यहां लिख दूंगा सीधा 1,71,000। सर ये तो बहुत ईजी हो गया भाई, ये ईजी ही है, जब आप ये फॉर्मेट अप्लाई करोगे ये ईजी होगा। अब मुझे बताओ क्या मैंने डबल पेड करा? यस करा। नेट डेटर मतलब 1,71,000 डाला, नेट डाटा मैंने 1,71,000 डाला, और जब नेट डाटा मैंने 1,71,000 डाला तो इसका मतलब ये कैसा आया, आपने बेड डा भी माइनस करा, इसका दूसरा इफेक्ट दिखाया और आपने प्रोविजन का भी दूसरा इफेक्ट दिखा दिया वो भी माइनस करा, ये दोनों क्रेडिट माइनस करने का मतलब क्या, एसेट में से क्रेडिट हुआ ना, डेटा एसेट है, दोनों को माइनस करने का मतलब क्या क्रेडिट। अगर आप ऐसा नहीं करते, वर्किंग नोट नहीं बनाते, तो आपको पूरा का पूरा ये सब सेम चीज आपको यहां पर लिखनी पड़ती बैलेंस शीट में, तब भी वही चीज होती। तो मैंने वर्किंग नोट में जाकर दिखा दिया, नेट डाटा लिख दिया, और यही करना दोस्त। वर्किंग नोट को स्पेशली बनाया इसलिए जाता है कि आपको आसानी से करो, बैलेंस शीट में और भी सारी चीजें आएगी, डेप्रिसिएशन वगैरह सब सारी चीजें आएगी, इसलिए डेटर के लिए वर्किंग नोट बनाकर ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यहां पर कर देना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए अब बताओ कितने इफेक्ट हुए, डेटर का भी दिखा दिया। हाँ जी सर, ये देखो मेरा डेटर का, सर ये रहा डेटर का इफेक्ट, ये आया पहले, फिर ये फर्दर बैकअप का दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, फिर ये आया यहां पर क्रेडिट, ये भी करेक्ट इफेक्ट हो गया, और नेट डेटर आ गया और डाल दिया मैंने बैलेंस शीट, मतलब ये क्या है बैलेंस शीट वाला इफेक्ट है ये वाला जो वर्किंग नोट में करके दिखा रहा हूं मैं, और खत्म हो गया सर, कुछ भी नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। आया क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर के से करके लाएंगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको ये घर से करके लाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए। 5,00,000 के डेटर है, डेट डब हमारे पास है 50,000 के, प्रोविजन आपने क्रिएट करा हुआ है 1,00,000 का पहले से, और आपको इस बार 20% का प्रोविजन क्रिएट करना है, फर्दर बैड डेट के पास 20,000 है। अब 20% का प्रोविजन क्रिएट की जगह मेंटेन लिख दूं या क्रिएट लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों कहानी सेम ही है भाई, चाहे आप मेंटेन बोल लो चाहे आप क्रिएट कर लो, मुझे तो एक ही चीज करना है, जो ओल्ड प्रोविजन होगा उसको पूरा पूरा पीएल में डाल के खत्म करूंगा और नया प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा, बस और प्रोविजन खत्म हो जाएगा तो मेरे पे जीरो हो जाएगा प्रोविजन में, और नया बना लूंगा चाहे मेंटेन कर लूंगा, उतना ही करना पड़ेगा मेंटेन में भी क्योंकि जीरो है। आसर में आ गई, ये आपके लिए होमवर्क में है, डू इन होमवर्क। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे मिलेगा कमेंट कर देना, पिन कर दूंगा कमेंट पर, ठीक है जी, और वहां पर अपना होमवर्क शेयर कर देना। क्लास के लिए तो मैसेज कर देते हो, सर आज क्लास नहीं आई, आज भी नहीं आई, अब होमवर्क के लिए मैं चेक करूंगा कि कौन मैसेज कर रहा है कि आपको करके लाना है। आ जाइए लास्ट कॉन्सेप्ट, अब लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और अगर इसके बाद कोई एडजस्टमेंट अगर छूट जाती है और क्वेश्चन में दिख जाती है तो मुझे बता देना आप, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बताना पड़ेगा आपको क्लास के साथ क्योंकि एक बार रिकॉर्ड हो गई तो रो गई, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब है हमने डेटर वाले को कहा कि डेटर भैया आप अगर
एक महीने के अंदर पैसा दे दो हमारे को, हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट पेमेंट। सर ये प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब हुआ कि भाई हम डेटर को इनकरेज कर रहे हैं कि पैसा दो भाई, पैसा दो। अगर आप जल्दी पैसा दोगे ना, ऐसे आपको 50,000 रुपए देने ना, 50,000 देने आपको, आप एक काम करो 50,000 एक महीने के अंदर दे दो हमें, हमको 2,500 का डिस्काउंट देंगे। अब आपको 50 नहीं देना होगा, देना तो आपको मर्जी था, 50 देना। अब उसको लगेगा अरे 2,500 का डिस्काउंट है, कहीं से मांग मूंग के 50,000 रुपए दे देगा, 50 ही देगा फिर, क्योंकि उसने एक महीने के अंदर अंदर पे कर दिया। अब एक महीना क्या है, ये कंपनी अलग अलग कंडीशन लेकर आती है, कंपनी अलग अलग क्या लेकर आती है, कंडीशन लेकर आती है। क्या कहती है कि आप अगर इतने महीने में अगर पे कर दोगे इतने महीने, तो ऑफर निकालती है अपने डेटर के लिए। डेटर क्या होता है कंपनी का, डेटर एक ऐसा अमाउंट है जो हमारे पास पड़ा हुआ है फालतू का, वहां पड़ा हुआ है, हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे डेटर के पास, वो हमें पैसा नहीं दे रहा। बीआर में लिखा है 3 महीने, 3 महीने हमने कहा भाई जल्दी पेमेंट कर दे, रिबेट दे देंगे, तो रिबेट। तो सेम वैसी है डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर में कहानी है कि हम डेटर को कह रहे हैं कि डेटर भैया आप क्या, आपको एक साल के अंदर अंदर पे करना है, अगर आप नेक्स्ट मंथ में पे कर देते हो अपनी पेमेंट, तो हमको 5% या 10% या 2% का आपको डिस्काउंट देंगे। अब सुनना ध्यान से, प्रोविजन क्या है फिर, ये तो समझ में आ गया डिस्काउंट ऑन डेटर क्या है, कि अगर कोई डेटर कंपनी की कंडीशन के हिसाब से जल्दी पे कर देता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट का मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, तो कंपनी उसको डिस्काउंट देती है। अब जब कंपनी दोस्त डिस्काउंट देगी तो कंपनी को लॉस हो, तो क्लियर है। और अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी जानती है मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला है, क्योंकि मैंने ये ऑफर निकाल दिया है और इसमें कुछ ऑफर तो ग्रैप होगा और फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। और कंपनी को जब पहले से पता है फ्यूचर में लॉस होगा, तो कंपनी आज से सेव करेगी ना पैसा, इसलिए प्रोविजन बनाया। तो कंपनी को पता है कि फ्यूचर में कुछ डेटर जल्दी पेमेंट कर देंगे, इससे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और डिस्काउंट देने का मतलब है कंपनी का लॉस, और वो लॉस फ्यूचर में होना ही होना है। तो ऐसे केस के अंदर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आज ही कुछ पैसा सेव करके चलता हूं, दैट्स कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है चीज, इसको हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहेंगे। अगर पढ़ाया हुआ आपको मेरा समझ में आता है तो नीचे जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें सर समझ में आ रहा है आपकी बात है, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट करता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर सर क्या एंट्री पास होगी, क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, और प्रोविजन जब आप क्रिएट करते हो तो फिर से आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो एंट्री वही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एंट्री दोस्त वही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। वैसे तो जनरली आता नहीं है दोस्त, अगर फिर भी आ गया तो आप इसके डबल इफेक्ट कहां पर दोगे, आप इसके इफेक्ट कहां दोगे, अब याद दोगे, सबसे पहले आप बनाओगे पीएनएल अकाउंट, सबसे पहले आप बनाओगे पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दोगे इसका पहले तक टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये हो गया सर डेबिट इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट आपको कहां देना होगा, दूसरा इफेक्ट देना होगा बैलेंस शीट में, एक काम करो इससे पहले एंट्री करो, इससे पहले की एंट्री है डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर को हम नहीं पहली एंट्री ये नहीं, पहली एंट्री है ये, एक मिनट, ठीक है। अच्छा इसमें एंट्री में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है कि अगर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये प्रोविजन मेंटेन किया है तो एंट्री वही थी पहले वाली, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाली, ठीक है, यही एंट्री थी कि आपने प्रोविजन क्रिएट करा प्रॉफिट में से पार्ट कम हो गया। अगर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर मैं सोचो मैं सिंपली डेटर को डिस्काउंट दूं, कोई प्रोविजन विजन ना बनाऊं कि हाँ भाई मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर अकाउंट, भाई डेटर कम हो जाएंगे, डेटर कम पैसा देगा हमें और हमने इसको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हमारा लॉस हो जाएगा। जनरल एंट्री तो यही होती है ना, जब प्रोविजन का कोई कंसेप्ट नहीं होता था हम क्या करते थे, सिंपली हम कहते हैं भाई हमने अपने डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर कम हो गया और डिस्काउंट हमारा लॉस है, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड पीएनएल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो बैलेंस शीट का इफेक्ट क्या होने वाला है मैं आपको यहां दिखाता हूं, कुछ एक फॉर्मेट है जो आपको अप्लाई करना है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको बात का ध्यान रखिए। सर ये वो फॉर्मेट है
कि अगर क्वेश्चन में आ गया तो आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो परसेंटेज आएगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, परसेंटेज जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सुनना ध्यान से, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर सन्ड्री डेटर, ये फॉर्मेट है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, सन्ड्री डेटर, ठीक है भाई, सन्ड्री डेटर आपने लिखा। इसके बाद यहां से माइनस करोगे फर्दर बैड डेट, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है ना इसका मतलब फर्दर बैड डेट भी दे रखा होगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा होगा, दो पीछे वाले कौन सा, तो यहां से आप माइनस करोगे फर्दर बैड डेट। जब यहां से आपने फर्दर बैड डेट माइनस करा तो अब यहां से बच जाएंगे रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग डेटर ये आ जाएगा सर, रिमेनिंग डेटर। फिर यहां से आप कहोगे भाई वो रिमेनिंग डेटर जिन पर हमें डाउट हो रहा है कि ये पैसा नहीं देंगे, तो यहां से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और जो भी परसेंटेज होगी वो इस पर अप्लाई होगी। अब मैंने आपको लॉजिक दिया कि इस पर अप्लाई इसलिए होती है क्योंकि रिमेनिंग डेटर जो डेटर अभी बच गए हैं, जो डेटर बैड अप हो गए उस पर डाउट कभी होगा नहीं, वो तो बैड अप हो चुका, जो बच गए उन पर डाउट होगा। तो ये जब आ जाएगा प्रोविजन, यहां तक तो मैंने आपको कहानी बताई थी, और ये जो बच जाएगा नेट डेटर बोला था, नहीं अब ये नेट डेटर नहीं होगा, ये ग्रॉस डेटर होगा, ग्रॉस डेटर। सर ग्रॉस डेटर का मतलब ये वो डेटर है, ये वो डेटर है तो अब गुड डेटर है, ग्रॉस डेटर बोल लो या गुड डेटर बोल लो, गुड डेटर का मतलब वो पैसा देंगे ही देंगे, ये वो डेटर है जो पैसा देंगे देंगे। अब इनको हमने इंकरेज करने के लिए क्या बोला कि आप तो भैया पैसा दोगे ही, देखो जिनको डाउट था वो तो हटा दिया ना, देखो जिन डेटर पे डाउट था वो ये थे, वो मैंने हटा दिया। अब जो बचे हुए डेटर है ये तो गुड डेटर होंगे ना, तीन टाइप के डेटर होते हैं, एक होता है बैड डेटर, एक होता है डाउट डेटर, एक होता है गुड डेटर। बैड डेटर वो होता है जो पैसा देगा नहीं, बैड डेट। डाउट डेटर होता था जो डाउट होता जिन डेटर पे जो पैसा देंगे नहीं देंगे 50% चांस, गुड डेटर जो देंगे ही देंगे हमें कंफर्म है ये पैसा आएगा या, तो गुड डेटर, ग्रॉस डेटर। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इंकरेज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि भैया जल्दी पेमेंट कर दो आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब ये कहेंगे भैया हम तो पैसा देना ही है, आपने तो कल देना है तो आज ही दे देते, डिस्काउंट ले लेते हैं। तो इनमें से प्रोविजन क्रिएट होगा कि भैया इनमें से कितने परसेंट डेटर है जो जल्दी पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा 5% डेटर इनमें से ऐसे है जो जल्दी पेमेंट कर देंगे और आपको लॉस हो सकता है उस 5% का, तो आप यहां से ये प्रोविजन डिस्काउंट देना पड़ेगा इन डेटर में से, तो यहां से वो माइनस होगा, राइट। तो अब यहां क्या करोगे, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मतलब जो भी आपका परसेंटेज होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट होने के बाद यहां पर आ जाएगा, और जब ये अमाउंट निकलेगा ये वाला अमाउंट ये नेट डेटर होगा, ये आप डालोगे बैलेंस शीट में सीधा सीधा, और आपने सारी ट्रीटमेंट कर दी। कौन सी ट्रीटमेंट, आपने इसका इफेक्ट कर दिया, बैड डेट का क्रेडिट इफेक्ट, प्रोविजन का क्रेडिट इफेक्ट कर दिया, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का क्रेडिट कर दिया, और डेबिट कहां होगा इसका, इसका डेबिट ये था, इनका भी पीएल में होगा उसका भी पीएल में होगा, खत्म। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना होगा, ऐसे केस के अंदर आपको इस तरीके से कहानी होगी। एक क्वेश्चन और कराता हूं और चैप्टर हमारा खत्म हो गया कॉन्सेप्चुअली। यही वाला क्वेश्चन है जो मैं यहां पर दोबारा ऐड कर रहा हूं, इसमें एक बस एक पार्ट ऐड कर दूंगा, चलो इधर आ जाओ, ये होमवर्क होमवर्क कुछ नहीं है, यहां पर एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर एट द रेट 5%। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे आपको ये चीजें आपको दिखाई दे, जैसे आपको ये तीन चीजें आपको दिखाई दे, ये एक दिखाई दे, दो दिखाई दे, तीनों दिखाई दे, ना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट जाना है और वर्किंग नोट में जाकर वो सारी ट्रीटमेंट दोबारा लिखनी है। तो वर्किंग नोट में आके क्या है करना है, सबसे पहले लिखो डेटर, डेटर आपको दे कितने रखे, देखे सर डेटर दे रखे आपको 5,00,000 के, ठीक है। इसमें से अगर आपको ये दो नहीं दिया, ये दिया है तो फर्दर बैड डेट माइनस करना और खत्म हो गई कहानी। फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे 20,000 का और यहां पर आ जाएगा 4,80,000 रुपए। सोचो एक एक करके बता रहा हूं, मान लो क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी तो फर्दर बैड डेट दिया, तो डेटर में से लेस करना फर्दर बैड डेट और नेट डेटर जाके बैलेंस शीट में दिखा देना, हो गया इफेक्ट क्रेडिट वाला और डेबिट वाला पीएल में, ठीक है। पर अगर आपको ये दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, तो यहां लिखना रिमेनिंग डेटर,
और यहां से प्रोविजन क्रिएट करना इसी अमाउंट पर और माइनस कर देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 20%, वो इस अमाउंट पे क्रिएट होगा। 20% तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 96,000 का प्रोविजन आपने क्रिएट करा, माइनस कर देना, इसको बोलते हैं ग्रॉस डेटर या गुड डेटर, जो आपको सही लगे वो लिख लेना। तो गुड डेटर लिखो ज्यादा अच्छा लगे, ग्रॉस क्या होता है, गुड डेटर खर्चा थोड़ी है। तो 4,80,000 में से 96,000 में डाउट तो हमने हटा दिया, अब ये 3,84,000 के वो डेटर जो हमें पैसा दे देंगे हमें कंफर्म है। अब इन डेटर को हमें इंकरेज करने के लिए हमें डिस्काउंट देना 5% का, तो इनमें से 5% का प्रोविजन आना है कि इसमें से 5% लोग हमें जल्दी पे कर देंगे, तो इसमें से 5% का इतना टोटल पैसा आना है, तो 5% का लॉस हो सकता है अगर लोगों ने हमें जल्दी पेमेंट कर दी, तो 5% का डिस्काउंट देंगे तो उनका लॉस होता है, तो हमने इस पर प्रोविजन मान लिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5%, क्या मतलब है 5% का, कि टोटल अमाउंट 3,84,000 आना है, अगर इन 3,84,000 ने एक साथ पेमेंट कर दिया अगले एक महीने में जो हमने निकाला, तो 3,84,000 में 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, और अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपको लॉस होगा, तो उतने अमाउंट का 5% हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। 3,84,000 अगर सारे के सारे पे कर देते हैं तो 5% का डिस्काउंट देना होगा, 19,200 का लॉस हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट देंगे सभी को, मतलब टोटल पेमेंट जो आनी है उस टोटल पेमेंट में अगर 5% का डिस्काउंट दोगे तो 19,200 का लॉस होगा, तो उतने का प्रोविजन क्रिएट कर लो। और जब उतने का प्रोविजन आपको क्रिएट कर लोगे तो अब आपके पास जो डेटर बच जाएंगे, मतलब जिनका पैसा आना है, तो अब वो पैसा आएगा जो इन हैंड हमारे पास कैश में आएगा, कितना आएगा जी 3,64,800, इसका मतलब ये पैसा अब हमारे पास है जो हमारा हैंड में आएगा, मतलब इतना पैसा हमारे पास इन हैंड कैश आ जाएगा, पता है सारे इफेक्ट कर दिए, ये प्रोसेस अपना लीजिए बस। ये दे रखा होगा तो यहाँ खत्म कर देना नेट डेटर, ये दे रखा होगा तो यहाँ नेट डेटर खत्म करके पीएल बैलेंस शीट डाल देना, ये भी दे रखा होगा तो नेट डेटर, ये हो गया बैलेंस शीट में जाकर नेट डेटर दिखा देना, सीधा सीधा खत्म हो, और ये तीनों चीजें पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी, खत्म। ऐसे पीएल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है ना, सबसे पहले आएगा बैड डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस वाला है उसको मत भूल जाना, फिर यहां पर ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट, फिर यहां पर ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, और जो ओल्ड होगा उसको खत्म कर देना पहले, फिर यहां पर फिर से लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो सारे डेबिट कर दिए मैंने, सारे डेबिट हो गए, ये डेबिट इसके दोनों इफेक्ट हो गए और बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट हो गया, ठीक है जी। यहां बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाकर सीधा एसेट साइड में डालेंगे नेट डेटर, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मैं वर्किंग नोट में कर चुका, तो दोबारा नहीं छापूंगा, यहाँ पर सीधा लिख दूंगा नेट डेटर, बासल में आगे दोस्त 3,84,800, इसका मतलब इसमें सारे इफेक्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, माइनस। इधर आ जाओ अभी, तो ये भी है न्यू बैड डेब्ट कितने का है 50,000 का, और फर्दर बैड डेब्ट कितने का है 20,000 का, 50,000 का ये है, 20,000 का और हो गया, तो यहाँ हो गया 70,000। न्यू प्रोविजन आपने कितने का बनाया 96,000 रुपए का, डिस्काउंट ऑन प्रोविजन कितने का बनाया, कितने का है डिस्काउंट में 19,200 का लॉस हो सकता है अगर सारे पेमेंट इकट्ठा कर दे, 19,200 का लॉस हो जाएगा। और जो ओल्ड प्रोविजन है, सिंपल, कितना सिंपल है चीजें, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर खत्म कर दो, और जो बनाना है वो क्रिएट कर लो 1,00,000 रुपए। हाँ समझ में आ रही है दोस्त, 1,00,000 मत लिखो इसको, इसको आप कर दो 60,000, क्यों बताए, क्योंकि हम वो प्रोविजन बनाएंगे क्यों, देखो हम कह रहे हैं 96,000 बनाओ, 1,00,000 हमारे पहले से बढ़ाए, तो भाई बनाना क्यों है, बनाते तो तब है ना जब हमारे पे कम पड़ा हो, इसलिए इसको 60 कर दो, ठीक है। हमने क्या करा, जो पहले से पड़ा था उसको हमने खत्म करा, प्रोविजन में अब जीरो हो गया, अब नया क्रिएट कर लिया 96,000 रुपए, और इस तरीके से आपका अकाउंट खत्म हो गया। तीनों ट्रांजेक्शन खत्म करा दी, सब कुछ खत्म करा दिया, 16 की 16 ट्रांजेक्शन खत्म करा दी भाई, बस नीचे जरूर बताइए कमेंट करके, और ये सारे नोट मैंने सेव कर लिए, बस अब आपको मैं जैसे खत्म होगा चैप्टर मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन करना है ना, ग्रुप नहीं, चैनल पे शेयर करता हूँ मैं नोट्स, ये चैनल दे रखे हैं, डन डन। अगर कोई एडजस्टमेंट रह गई तो बता देना इस क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं उसके बाद नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, तो इसी क्लास में बता देना। बताओ सर कैसा लगा आपको।
इसे कहते हैं फास्टेस्ट रिवीजन एवर विद डिटेल कॉन्सेप्ट। चीजें भी समझ में आई पर रिवीजन भी हो गया। चलिए सर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपको हमारी क्लास चाहिए होगी तो हमारी क्लास हमारी वेबसाइट से, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सिर्फ 2500 रुपए की क्लास है, हो सकता है आगे जाके फीस बढ़ जाए, पर अभी के लिए 2500 रुपए, तो अभी के लिए मैं 2500 ही रखूंगा, फिर भी आप एक बार पता कर लेना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।